आने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स, यहाँ आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसको वाई के इक्वल मान लीजिए, लेट वाई बराबर ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स। उसके बाद माइनस फाइव एक्स जो उसका एक्सपोनेंशियल पावर है उसको आप टी के बराबर कर लीजिए। तो आपके पास दो टर्म हो गए, टी और ई टू द पावर टी। अब आप ई टू द पावर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू आपको पता है, ई टू द पावर एक्स के फॉर्मूला से ई टू द पावर टी आएगा। उसके बाद जब आप टी को इधर डिफरेंशिएट करोगे माइनस फाइव एक्स को, तो उसका वैल्यू आपको यहाँ पर माइनस फाइव आ गया। उसके बाद आपको क्या, अब आपके पास डी वाई बाई डी टी का भी वैल्यू आ चुका है और डी टी बाई डी एक्स का भी वैल्यू आ चुका है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से टी डी टी बाई डी टी कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा और उसका वैल्यू आपको निकलेगा ये दोनों की ई टू डी पावर टी इंटू माइनस फाइव। तो माइनस फाइव ई टी और माइनस फाइव ई टी का आप यहाँ फॉर्मूला रख दोगे, जो भी वैल्यू आपने चूज किया था उसके बाद आपको आंसर आ